वहीं पंजाब के किसानों के आंदोलन का मंगलवार 20 फरवरी को अहम दिन है। किसान दिल्ली कूच करेंगे या आंदोलन खत्म होगा, इसको लेकर शाम तक ऐलान होगा। इससे पहले सोमवार को किसानों ने केंद्र के 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव खारिज कर दिया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हमने किसानों और एक्सपर्ट से बात की है, हमारी एमएसपी पर गारंटी की मांग पूरी हो, केंद्र सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे तो आंदोलन खत्म करने को तैयार है। मंगलवार को हम मीटिंग करके रणनीति बनाएंगे और 21 फरवरी बुधवार को दिल्ली कूच करेंगे। बार बार बातचीत नहीं करेंगे, अब सब कुछ केंद्र के हाथ में है, केंद्र फैसला ले। केंद्र का प्रपोजल किसानों के हित में नहीं है। वहीं हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी का फैसला 20 फरवरी की रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। हमारी मांग है कि पूरे देश के किसानों की 23 फसलों के ऊपर हमारी सरकार एमएसपी अनाउंस करती है। जो 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की अनाउंसमेंट होती है वो इन्हीं के ही सीएसीपी की सिफारिशों के ऊपर होती है, और जब वो देती है सरकार हमें सीएसीपी के अनुसार एमएसपी, एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को और गहनता से उसकी पड़चोल करोगे तो उसका मतलब ये होता है कि कम से कम आपको जिंदा रखने के लिए, आपको स्टैंड रखने के लिए एक सपोर्ट दी जा रही है। आपके लिए कोई भी उसमें इनकम देने वाली चीज कोई नहीं है उसमें, और वो भी देते हैं जब हम, और उसके ऊपर भी सारी फसलों की अगर हम ये मांगते हैं कि जितनी आप कम से कम भी दे रहे हो भाई उतनी तो बिक जाए, हमारी उस रेट पे तो बिक जाए, और उसके लिए भी वो गारंटी का कानून ना दें तो इसका मतलब देश का किसान इसी तरह लूटता जा रहे, तो वो हमें स्वीकार नहीं। इसलिए इन सभी तथ्यों के हिसाब से हम दोनों फोरमों ने आज बैठकर चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया है कि ये जो प्रपोजल आई है ये प्रपोजल किसानों के पक्ष की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, और इसके अनुसार हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं।